welcome to my class in standard 6. Today we will do the revision test. This is the test for you. Okay. So in this test, question number 1 is read the passage and answer the following questions. Here you are given a passage and some questions. So you have to write the answers by finding the answers from the passage. So you have to read the passage first. Let's read the passage first. Bachchan ne paar mas on. ये passage है वो आपको notebook में नहीं लिखना है, जो पूरी revision test है उसके ऊपर आपको revision करना है, practice करनी है. तो यहाँ जो कुछ भी मैं लिखवा रही हूँ वो आपको अपनी English grammar की book में लिख लेना है. So Bachchan ne paar mas on in 1954 in a village called Napuri in the district of गढ़वाल इन उत्तराखंड. तो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है, मैसेज है, वो बचेंद्र रिंपाल के अबाउट में है. बचेंद्र रिंपाल है वो एक माउंटेनियर थी. ओके, उनका जन्म कौन सी ईयर में हुआ था? तो उनका बर्थ है वो 1954 में हुआ था. कहाँ पे हुआ था? तो एक छोटे से विलेज में, जिसका नाम है, विलेज का नाम है नापुरी. जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है और उत्तराखंड में आया हुआ है. मीन्स की हम जैसे गुजरात स्टेट में रहते हैं, वैसे ये जो है बचेंद्र पाल है वो कौन से स्टेट से है? तो वो उत्तराखंड से है. उत्तराखंड में वो नागपुरी नाम के विलेज से वो बिलोंग करती है. ओके, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बचेंद्र पाल है वो कहाँ से बिलोंग करती है, कहाँ से है, उनके विलेज का नेम क्या है? तो विलेज का नेम नागपुरी है. कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? तो वो उत्तराखंड नाम के स्टेट से बिलोंग करती है. ओके, फिर क्या है? हर फादर किशन सिंह पाल, उनके फादर का नेम क्या है? किशन सिंह पाल. वो द स्मॉल ट्रेडर, वो एक छोटे से व्यापारी थे. तो फैमिली है फाइव चिल्ड्रन, फैमिली में पांच बच्चे थे. एंड बचेंद्र पाल वाज़ द मिडिल वन, और बचेंद्र पाल है वो सबसे बीच वाले चिल्ड्रन चाइल्ड थी. राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, वो अपने चाइल्डहुड से, यानी वो बचपन से, वो अपने बचपन से ही क्या थी? तो बचेंद्र पाल वाज़ वेरी एक्टिव, वो बचपन से ही बहुत ही एक्टिव थी. सी वाज़ गुड एट बोथ स्टडीज एंड स्पोर्ट्स, वो दोनों में ही अच्छी थी. मीन्स की स्टडी में भी वो बहुत ही अच्छी थी और स्पोर्ट्स में भी वो बहुत ही अच्छी थी. ओके, सो राइट दिस पैसेज फर्स्ट, देन आफ्टर यू विल राइट द क्वेश्चन एंड आंसर. ओके, किशन सिंह पाल क्या थे? तो क्या आएगा?
थ्री क्वेश्चन आंसर लिख लो पहले।
chick, the mouse, the ant and the ladybug. तो ये भी कोमा में आएगा, क्या कोमा में आएगा? But we can not swim, okay? यहाँ से फिर से कोमा करना है, capital करना है, but we can not swim, comma over और नीचे एक कोमा आएगा. It shouted the chick.
सैक्रिफाइस, सैफ्रन कलर है वो सैक्रिफाइस और करेज के लिए स्टैंड किया हुआ होता है। तो व्हाइट कलर स्टैंड फॉर अगस्त एवरी ईयर हर साल
ट्रेडिशनल फेस्टिवल है ना। तो टाइप में क्या आएगा, नेशनल फेस्टिवल down।